इस टॉपिक के अंदर जिस तरह हमने डोर्स, uh, विंडोज की प, uh, देखी है प्लेसमेंट किस तरह हम एग्जैक्टली एडजस्ट करते हैं तो डोर और विंडोज के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट uh, हमारे पास जो है दैट इज रूफ तो हम देखते हैं कि किस तरह क्विकली हम रूफ़ uh, डिटेल्स अगर हमने ऐड करनी हो इन आटो कैड सो उसको कैसे करते हैं और रूफ़ के बाद डेफिनेटली हम प्लेन uh, लगाना देख लेंगे और इसके बाद क्विकली uh, हम मूव करेंगे टूवर्ड्स रेंडरिंग uh, और रूफ़ के लिए हमारे पास अगेन टेक्स्चर मौजूद है अब मैंने आपको तरीका सिखा दिया है मटीरियल के अंदर आप ख़ुद से जो टेक्स्चर मैं अप्लाई नहीं करूँगा इस रूफ़ के ऊपर आप जिस तरह का टैक्सचर अप्लाई करना चाहें आप रूफ़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सो तो बढ़ते हैं कैड uh, थ्री की तरफ ताकि हम फॉर्मली जो है वो रूफिंग डिटेल्स और इसकी डिज़ाइनिंग सीखें इन आटो कैड थ्री डी तो ये हमारे पास हमारा प्लान है जिसमें हम वर्क करते आ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है कि हमने एक रूफ डिज़ाइन करना है इन थ्री डी सीखनी है इंतई आसान मेथड है इसका कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स अप्लाई नहीं है सिंपली हमने एक्सट्रूड की कमांड ऑलरेडी देख चुके हैं एक्चुअली so, हमने एक्सट्रूड की कमांड ही मेनली अप्लाई करेंगे और मूव करके हम इसको फिक्स कर लेंगे सो so, uh, इससे पहले कि हम रूफ़ डिज़ाइन करना स्टार्ट करें तो हम एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए डिटेक्ट करना भी आसान हो और वर्क करना भी आसान हो तो यहाँ पे हम एक नई लेयर क्रिएट करते हैं और जिसका नाम हम थ्री रूफ़ की लेयर रख लेते हैं इसको हम यहाँ से उसकी एडिटिंग को भी ऑन कर लेते हैं कलर कोई भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि ईजीली डिटेक्ट हो रहे हैं बाद में सो so ये हमारे पास हमारा प्लान है हमने एक लेयर क्रिएट कर ली है और हम इस प्लान के ऊपर जो है वो एक छत डिज़ाइन करने जा रहे हैं सो so, सबसे पहले हमने डिटेक्ट करना है कि हमारा कवर्ड और अनकवर्ड एरिया कौन सा है क्योंकि अनकवर्ड एरिया के ऊपर तो रूफ़ नहीं है अनकवर्ड एरिया की डेफिनेशन ही यही थी कि हर वो एरिया जिसके ऊपर छत ना हो तो ये हमारे पास अभी जो है वो अनकवर्ड एरिया है एक हमारे पास ये अनकवर्ड एरिया है ये हमारे पास जो हमारा कार पोर्च है डिपेंड करता है आपने चाहें तो इसके ऊपर भी अगर छत यहाँ तक क्योंकि अलाउड है तो हम बना सकते हैं अगर हम चाहें तो हम यहीं से ही तो ये आ, अगेन जैसे हम आपको सिखा देंगे आप अभी सीख लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी है कि आप जिस तरह मूव करना चाहें एक चीज़ जो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इज़ ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दे रहा हूँ आप भी एक्जैक्टली exactly वही अप्लाई करें ये आप चाहें तो आप इनको चेंज कर सकते हैं आपको कमांड समझ जब आ गई है कि ये कमांड इस तरह लगानी है और इसका पर्पज़ ये है उसके बाद उस पर्पज़ के अकॉर्डिंगली आप उसमें किसी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं ज़रूरी तो नहीं कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया है आपने भी उधर ही जा क्लिक करनी है आप उसको वेरिएट कर सकते हैं अभी आप रेक्टेंगल देखेंगे कि आप छत लगाते कैसे हैं तो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल आर रे ई सी और हम यहाँ से किसी भी पॉइंट से इसको ये स्टार्ट कर लेते हैं और से यहाँ पे हमने ये हमारा ये वो अलाउड था हमारा एरिया जो हमने बाथरूम की डिज़ाइनिंग में अप्लाई किया था अब हम सेकेंड रेक्टेंगल को स्टार्ट कर लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अब कहाँ तक लेकर जाना है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम जो वर्क कर रहे हैं अब से हमारे पास अगर तो हमने ये वाला एरिया इंक्लूड करना है तो हम नीचे तक ले कर आ सकते हैं अगर हम समझते हैं कि नहीं हमारा टिल दिस पॉइंट जो है वो आना चाहिए ये वाला पॉइंट तो हम इसको भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ये हमने सेकंड क्लिक कर ली है यहाँ तक छाता आएगी और थर्ड रूफ़ जो हमारी है वो हम एक और रेक्टेंगल लगा लेते हैं आर e, और उसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ तक जो है जाके ये हमारा पॉइंट जो नज़र आ रहा है यहाँ तक तो ये हमने जो है वो तीन रेक्टेंगल्स लगा ली हैं अब हमने सिंपली यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड लगानी है और इसको मूव कर लेंगे तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं या बेहतर ये है कि हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें इन तीनों रेक्टेंगल्स को और एम एंटर करके मूव की कमांड लगा के किसी भी पॉइंट से इसको मूव करके साइड पे लेकर आ जाएं जिस तरह की ये आ गई है अब यहाँ पे आसानी ये है कि हम यहाँ से इज़िली कमांड्स अप्लाई करते हैं या हम चाहें तो इनको सेलेक्ट करके हम इसको ग्रुप भी कर सकते हैं तो ग्रुप करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा बट अगेन एक्सट्रूड के बाद भी ग्रुप करना पड़ेगा तो ई एक्स टी एक्सट्रूड की कमांड है एंटर कर लेते हैं और वन फ़ीट अगर आपको सेक्शन के लेक्चर्स याद हों या हमने जो डिफरेंट डिबेट्स की हैं सो so, जब रूफ के सारे कंपोनेंट्स को हम मिलाते हैं तो इसकी जो हाइट बनती है दैट इज़ वन फीट तो यहाँ पे हमने वन फीट की हाइट दे दी है अब ये हाइट तो इसको मिल चुकी होगी ऑर्बिट से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं आप नोट करें तो ये जो है इसकी इस टाइम अगर आप नोट करें तो इसकी हाइट जो है वो ये आप नोट करें दैट इज़ वन फीट बट हमने इसको क्योंकि प्लेस करना है तो हम टॉप व्यू के अंदर से ही अगेन जैसा कि हम जाकर इसको यहाँ से हम कर लेते हैं अगेन सेलेक्ट तमाम को सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर लेते हैं हम और ग्रुप के बाद जो है हम यहाँ से एम एंटर मूव करके इसको और ये वाला पॉइंट है तो एग्जैक्टली exactly जहाँ पे भी हम इसको प्लेस करना चाह रहे हैं इस पॉइंट तक तो इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया छत प्लेस हो चुकी है ऑर्बिट में जाके विल वेरीफाई कि ये छत लग चुकी है यस yes, रूफ uh, जो है वो हमने ड्रा कर ली है बट अभी क्या है क्योंकि हमने इसको हाइट नहीं दी हुई तो अभी यहाँ पर ये uh, जो है वो एक्ट कर रही है एज अ फ्लोर तो अब हमने इसको हाइट देनी है फ्लोर भी जब लगाना होगा तो ऐसे ही लगाएंगे अब हम तो नहीं लगा रहे लेकिन आप अगर आगे, आगे आपने फ्लोर्स भी ड्रा करने होंगे किसी रूम के तो फ्लोर भी ऐसे समझें इसी तरह ही लगाना है हाइट आप जितनी भी उसकी रखना चाहें छत की तरह ही सो तो हम यहाँ पर जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एम एंटर मूव की कमांड और किसी भी पॉइंट से इसको हम यहाँ से मूव करेंगे आप कितना मूव करना है सेम मेथड यहाँ पे ज़ीरो फीट एक्स एक्सेस कॉमा ज़ीरो फ़ीट वाई एक्सेस और टेन फीट जो है वो इसका जी एक्सेस है सो तो लेट्स सी कि अगर आप नोट करें तो ये जो है हमारे पास छत हमारी लग चुकी है अभी कलर उसका वही है जो हमने ये हमने विंडो भी नज़र आ रही है हमें अभी इसका रूफ़ का जो आ, कलर है वो वही है जो हमने लेयर कर रखा हुआ है तो क्विकली हम मटेरियल देख लेते हैं अगर कोई मटेरियल हमारे पास यहाँ से भी लगा सकते हैं जो लाइब्रेरी मौजूद है हम चाहें तो हम कोई पिक भी कर सकते हैं सो डिपेंड्स वी आर हैविंग सर्टेन तो जो भी इसमें हम अप्लाई करना चाह रहे हैं से इधर से आके कर लेते हैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास हैं जी इसमें से सपोज ये वाला करना चाह रहे हैं तो हम ये वाला कर लेते हैं इसी तरह हम ये वाला करना चाहें तो इस तरह जो है हम एक रूफ़ की डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं अगेन लास्टली uh, मैं वही बात ही करूंगा कि ये जस्ट आपको मेथड पता चल गया है मटेरियल्स आपके पास हैं ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली exactly ऐसे ही ड्रा करें आप इसको वेरिएट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं मटीरियल्स डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं बट मेथड जो है वो इस तरह हम कैड थ्री के अंदर रूफ़ डिज़ाइनिंग कम्प्लीट करते हैं इस so, टॉपिक के अंदर हमने देखा कि किस तरह हम um, uh, जो है वही सेम रेक्टेंगल लगा के ग्रुपिंग करके हमने जो है वो अपनी एक्सट्रूड uh, कर दिया वन फीट में और एग्जैक्ट प्लेस करके हमने मूव की कमांड से सिंपली मूव किया तो हमारी रूफ़ अगेन बहुत सादा सी हमने रूफ लगाई है वी कैन अप्लाई सर्टेन मटीरियल सर्टेन टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं हम मज़ीद एक रेक्टेंगल लगा के और उसको इसी के कॉर्नर के ऊपर रेक्टेंगल लगा के मजीद अगर एक्सट्रूड करें तो हम किसी तरह की कोई रेलिंग्स बना सकते हैं कोई पैरापेट वॉल बना सकते हैं जो आगे जाके हम इन थ्री डी मैक्स भी बनाएंगे सो बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास ओपन हैं तो इस तरह हम डिज़ाइनिंग करते हैं नाटो कैट थ्री डी